हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल लेट्स क्रैक एनटीयू यूजीसी नेट। सो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा मिश्रा, बीए मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड एमए इन इकोनॉमिक्स। आई वाज फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर एट पीपीएन डिग्री कॉलेज, कानपुर यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप अन अकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपको अन अकेडमी क्या प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम अन अकेडमी के बारे में जल्दी से बात करते हैं। अगर आप अन अकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे डेली की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको आपके कोर्स का स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलती है, और ये जो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिलता है। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, क्वेरीज को पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आपको आपके सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा सिलेबस आपको मिलता है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने को मिलते हैं, क्विजेस सॉल्व करने को मिलते हैं, जिससे आप ये समझ सकें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको कितना समझ में आ रहा है, आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो क्या है। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ये सब कुछ लिमिटेड नहीं है। वंस सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल अवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेज। ओके, यानी ये सारी चीज़ें आपके लिए अनलिमिटेड है। अन अकेडमी को आपको अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप अपने फ़ोन में फटाफट गूगल प्ले पे जाइए, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है, उसमें आप डालेंगे NTA UGC नेट तो आपकी ये फीस डिटेल पूरी आएगी खुल के, जिसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि अगर आप 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपकी जो फीस होगी वो होगी 11,550 के नियर अबाउट। ठीक है, और अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो ये आपको पड़ता है 16,800 का। लेकिन अगर आप मेरा कोड PRERNA प्रेरणा यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद आपका जो 12 मंथ की फ़ीस है वो 10,395 की पड़ती है, और जो 24 मंथ्स का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो आपका 15,120 का पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कीन्सियन मॉडल पे। जैसा कि मैंने अपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था कीन्सियन थ्योरी पार्ट 1, आप लोग उसको देखिएगा, तो उसके बाद आप अगर इसको कीन्सियन थ्योरी का पार्ट 2 देखते हैं तो आप ही आपको मैं एक बार डिटेल में फिर से एक बार थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि आखिर कीन्सियन मॉडल क्या है। ठीक है, तो जो ये कीन्सियन मॉडल है, कीन्स ने बोला था कि जो जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये इनकम को हमारे डिसाइड करता है, नेशनल इनकम को डिसाइड क्या करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कीन्सियन मॉडल में क्या बात बोली गई है कि वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एन, यानी वाई यहाँ पे क्या है, आउटपुट वाई, या वी कैन से नेशनल इनकम। ठीक है, जो जो ये नेशनल इनकम हमारी है ये डिपेंड करती है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड टोटल आउटपुट विथ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी हमारा ये जो टोटल आउटपुट है कब बढ़ता है, जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाते जाते हैं हमारा टोटल आउटपुट बढ़ता जाता है। जैसा हमने अपने प्रीवियस मॉडल में भी बात की थी कि कीन्स के अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम है वो एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट है हमारा वो इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंड करता है। ठीक है, एन इज़ द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो हमारी इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड करता है, और ये जो इफेक्टिव डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, इफेक्टिव डिमांड वहाँ पे होती है जहाँ पे AD बराबर AS होता है। ठीक है, AD मतलब एग्रीगेट डिमांड, या वी कैन से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई जब होती है वो हमारा इफेक्टिव डिमांड का इक्विलिब्रियम का लेवल होता है। ठीक है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि आखिर कीन्स ने अपना मॉडल क्यों दिया था। जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो अपनी जो भी थ्योरीज दी थी, अपने जो व्यूज़ दिए थे, जब वो 1930 के ग्रेट डिप्रेशन जब आया था तो उनके व्यूज़ जब जो गलत पाए गए थे, जैसे उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात की थी, उन्होंने बोला था वेजेस को कट करके आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, तो ये जो उनके जो बहुत सारे व्यूज़ थे जब वो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसको हम लोग विश्व की महान मंदी बोलते हैं, तब जो
प्रतिष्ठित यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो व्यूज़ थे वो गलत पाए गए थे। उस टाइम कीन्स ने बताया था कि जो महान मंदी आई थी उसका रीज़न क्या था कि जो हमारी सप्लाई थी वो डिमांड से ज़्यादा थी, जबकि क्लासिकल ने क्या बोला था कि इकॉनमी में जितना भी सप्लाई होती है उसकी पूरी डिमांड कर ली जाती है, ओवर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे कि ये सारी बातें मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी, ठीक है। कीन्स ने इन सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया था, उन्होंने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं है, सप्लाई ज़्यादा पाई गई उस महान मंदी में डिमांड के कंपैरिजन में, जिसका मेन रीज़न था डिमांड में कमी होना, ठीक है। इफ़ेक्टिव डिमांड कम हो गई थी, और इफ़ेक्टिव डिमांड किस पे डिपेंड करती है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे, ठीक है। तो कीन्स ने क्या बात की थी, जैसा हमने अगर कीन्स के एजम्पशन को हमने जब पढ़ा था कीन्स की थ्योरी के, तो उसमें उन्होंने एक एजम्पशन दिया था कि उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी ये किससे रिलेटेड थी, शॉर्ट टर्म एनालिसिस थी, ठीक है। यानी उन्होंने अल्पकाल की बात, हिंदी में अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था ये अल्पकाल से रिलेटेड था, क्योंकि वो दीर्घकाल की यानी लॉन्ग टर्म की बात करते ही नहीं थे। उनका ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि हम लंबे समय तक जिए, मतलब दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस में बिलीव करते थे। तो जो हम जैसा कि देख रहे हैं कि इफेक्टिव डिमांड जो मेन कंपोनेंट था इकॉनमी का, ठीक है, तो वो जो था वो कहाँ पे डिसाइड होता है, जैसा हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में कि जब ए बी बराबर ए एस होता है वो इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट होता है, ठीक है। और जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको उन्होंने कांस्टेंट माना था, ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म में हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इकॉनमी का जो मेन कंपोनेंट माना, मतलब एग्रीगेट डिमांड को माना, ठीक है। तो उन्होंने एग्रीगेट डिमांड की बात की थी। फिर एग्रीगेट डिमांड के क्या दो कंपोनेंट थे कि एग्रीगेट जो हमारी डिमांड है यानी जो एडी है वो किस पे डिपेंड करती है, सी प्लस आई पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर उन्होंने बात की थी कि जो कंजप्शन है उसको भी हम शॉर्ट टर्म में नहीं बढ़ा सकते हैं, जिसकी बात हमने अपने पिछले वीडियो में की थी कि क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो कंजप्शन जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उन जैसे फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को, सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंट माना था, उन्होंने मोटिव्स बताए थे कि भाई कंजप्शन क्यों नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आखिर कंजप्शन को उन्होंने शॉर्ट टर्म में कॉन्स्टेंट क्यों माना था, ठीक है। तो उस हिसाब से जब कंजप्शन शॉर्ट टर्म हुआ तो जो एग्रीगेट डिमांड थी फिर वो किस पर डिपेंड करेगी, इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल पर डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई सबको। अब कीन्स क्या बोलते हैं अपने मॉडल में कि ये जो एनएस है, ठीक है, यानी एनएस मतलब सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, जो सप्लाई ऑफ लेबर है इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ मनी वेजेस डब्ल्यू, ठीक है। इट मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मनी वेजेस। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसा मैंने बताया था आपको कि कीन्स के अकॉर्डिंग जो लेबर्स होते हैं, ठीक है ना, जो लेबर्स हैं उनको मनी इल्यूजन होता है। मनी इल्यूजन मतलब हिंदी में कह सकते हैं कि मुद्रा का भ्रम होता है। वो क्या करते हैं कि अगर उनके मनी वेजेस को, जैसा क्लासिकल ने बोला था कि हम मनी वेजेस को अगर कम करते जाते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन कीन्स ने इसको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला था कि अगर हम मनी वेजेस को कट करेंगे तो लेबर इसका अपोज करेंगे और जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें मुद्रा भ्रम होता है। भले अगर प्राइजेस बढ़ जाएँ और उनके रियल वेजेस कम हो जाए वो उसका विरोध नहीं करेंगे, वो उसके अपोज में नहीं आएंगे, लेकिन वो मनी वेजेस अगर उनका कम कर दी जाती है तो वो उसके अपोज में आते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला था कि जो सप्लाई ऑफ लेबर एन एस है इज़ द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ मनी वेजेस डब्ल्यू। अगर हम सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ाते हैं तो हमारी मनी वेजेस बढ़ती जाती है, ठीक है। इट मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मनी वेजेस। अगर हम मनी वेजेस को बढ़ा रहे हैं, अगर हम ज़्यादा मजदूरी दे रहे हैं तो हमारे पास जो लेबर्स की सप्लाई है वो ज़्यादा आती रहेंगी, ठीक है। और अगर उसी जगह हम उसको कम कर देंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर एकदम से कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो मजदूर हैं वो मुद्रा में अगर कटौती, मुद्रा मजदूरी यानी मनी वेजेस में अगर कटौती होती है तो उसका सीधा कड़ा विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मुद्रा का भ्रम होता है,
उन्हें मनी इल्यूजन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट ये है कि उन्होंने डिमांड फॉर लेबर यानी दैट इज एनडी, जो डिमांड है हमारी लेबर की, इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ रियल वेजेस डब्ल्यू अपॉन पी। ठीक है, रियल वेजेस हमारी क्या होती है, जब हम जो हमारी मनी वेज है उसमें जब हम प्राइस लेवल को डिवाइड करते हैं वो हमारी रियल वेज होती है, डेट मीन्स डब्ल्यू अपॉन पी। तो जो डिमांड है लेबर की वो क्या होती है, मनी वेजेस का सॉरी रियल वेजेस का इनवर्स फंक्शन होती है। इट मीन्स डिमांड फॉर लेबर क्या हुआ कि इट मीन्स डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस एज इज रियल वेज फॉल्स एंड डिक्रीजेस एज इज रियल वेज राइज। ठीक है, यानी जो डिमांड है लेबर की वो कब बढ़ेगी, जब उसकी डिमांड ऑफ डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज कब करेगी, जब रियल वेज उसकी कम होगी। ठीक है, और डिक्रीज कब करेगी, एज इज रियल वेजेस राइजेस। ठीक है, अब लेबर मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल्स टू इट्स सप्लाई, यानी जो लेबर का लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, जब डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू डिमांड ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कीन्स मनी मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज एम एस इक्वल्स टू एम डी। एम एस क्या है, सप्लाई ऑफ मनी, एम डी क्या है, डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, अब कीन्स ने जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो डिमांड ऑफ मनी यानी जो एमडी है, डिमांड ऑफ मनी ये किस पर डिपेंड करती है, बाई पे और एल टू आर पे। वाई पे क्या, एल वन जो एल टू क्या डिनोट करे, कि हमने बताया था कि कीन्स के अकॉर्डिंग जो हम मुद्रा की मांग करते हैं यानी जो डिमांड ऑफ मनी है वो थ्री मोटिव्स के लिए होती है, एक तो ट्रांजेक्टिव मोटिव होता है, एक प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, एक हमारा था वो सट्टा उद्देश्य होता है। ठीक है, तो सट्टा उद्देश्य में क्या होता है कि वो जो सट्टा उद्देश्य है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो ये ट्रांजेक्टिव मोटिव और जो प्रिकॉशनरी मोटिव है यानी ये हमारा क्या होता है, इनकम पे, भाई हम ज़्यादा परचेज कब करेंगे, जब हमारा इनकम लेवल बढ़ेगा। ठीक है, प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब हम अगर दूर का सोचें, फ्यूचर प्लानिंग के लिए अगर हम सेव भी कर रहे हैं तो वो हमारे इनकम लेवल पर डिसाइड करेगा ना कि हमारा इनकम लेवल क्या है। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि L1 इज़ द फंक्शन ऑफ Y एंड L2 में क्या, हमारे सट्टा उद्देश्य के लिए मांगा थी जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ज़्यादा करेंगे, और जब वो कम होगा तो हम कम करेंगे। ठीक है, इसका यानी कि MD इक्वल्स टू क्या हो गया कि L1 Y प्लस L2 R। ठीक है, अब कीन्स ने एक बात और भी कही थी कि I इक्वल्स टू एस, जैसा कि क्लासिकल ने भी बोला था कि जो सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। ठीक है, और कीन्स ने भी यही बात बोली थी कि सेविंग जो होती है इक्विलिब्रियम लेवल जब होता है, कीन्स ऑल्सो अज्यूम डेट इन इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग विल बी इक्वल। ठीक है, वो कैसे होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। फिर उन्होंने क्या बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इज़ एन इनवर्स फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी हमें ब्याज जो है यानी जो हमें लोन है अगर वो हमें सस्ते मिलेंगे तभी तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। अगर हमें कम ब्याज देना पड़ रहा है, कम पैसे पे करने पड़ रहे हैं जो हम लोन दे रहे हैं उसके ब्याज में, तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिमांड हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। दैट मीन इन्वेस्टमेंट इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। और जो एस है यानी कि सेविंग इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इनकम। भाई सेविंग हमारी क्या है, जब हमारी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारी सेविंग भी बढ़ेगी। भाई हमारी जिस हिसाब से इनकम, जब हमारी कम इनकम होती भाई, क्योंकि हमारी लाइफ में क्या है, कुछ कंजप्शन यानी वी कैन से कि कुछ एक्सपेंडिचर नेसेसरी होते हैं जो हमें करने ही करने हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, इन चीज़ों पे हमें अपने एक्सपेंडिचर करने ही करने हैं। उसके बाद जब हमारी इंपॉर्टेंट जो कंजप्शन है उनको हम हटा देते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम सेव करते हैं ना। दैट मीन्स अगर हमारा इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से हमारे पास मार्जिन आता जाएगा ना सेविंग का। तो जो एस है वो टोटली किस पर डिपेंड करती है, इनकम पे। सेविंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू कीन्स इन इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग विल बी इक्वल। तो वो कैसे होता है,
वो ऐसे होता है कि उन्होंने क्या बोला कि एस इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, यानी एस क्या है, जो सेविंग है वो हमारी इनकम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जो आखिर अगर हमने जैसे अभी आपसे बात कही, सॉरी कि हमने अभी आपको बताया कि जो सेविंग होती है, तो जो हमारी इनकम है, ठीक है, इनकम में जब हमारे कुछ जो कंजप्शन फिक्स्ड है, कुछ हम अपने कि हाँ ठीक है, कुछ हम अपने फैशन पे खर्चा करें, जो भी हमारे मोटिव हो, हम उस पर बात नहीं करेंगे, जो हमारी मतलब हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं कि जो हमारी कंजप्शन है उनको जब हम खर्चा अपना उन पे निकाल देते हैं, फिर जो हमारा पैसा बचता है वो सेविंग होता है, ठीक है। ये बात अभी मैंने आपको बताई। तो सेविंग आखिर क्या हुई कि हमारी इनकम में अगर हम कंजप्शन को माइनस कर लें वो हमारी सेविंग है। एस इक्वल्स टू क्या हुआ, वाई माइनस सी, ठीक है। एंड इनकम इनकम जो हमारी है इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। भाई हमारी इनकम क्या होती है, वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। जो हमारी इनकम है उसमें से हम कुछ कंज्यूम भी करते हैं, कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं, तो फिर क्या हो गया, वाई माइनस सी इक्वल्स टू क्या हो गया, आई, ठीक है। और एस इज इक्वल्स टू अगर हम इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं और इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, तो अगर हम इक्वेशन वन एंड टू को इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू आई आएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या हो गया कि सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सबको आया समझ में, ठीक है। तो दीज इक्वेशन टेल दैट टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लोअर्ड, एंड टू इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर रियल वेजेस शुड ऑल्सो बी लोअर्ड। फॉर दिस पर्पज प्राइस लेवल, उन्होंने क्या बोला कि फॉर दिस पर्पज प्राइस लेवल शुड बी रेज्ड एंड मनी वेजेस नॉट बी चेंज। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस लेवल बढ़ भी जाता है, प्राइस लेवल बढ़ने पे क्या होगा कि हमारी रियल वेजेस कम होती है ना, तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें मनी इल्यूजन होता है। एंड मनी वेजेस नॉट बी चेंज, अगर हम मनी वेजेस को, मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की कि जो लेबर क्लास है उसको मनी इल्यूजन होता है, तो इस वजह से अगर प्राइस लेवल बढ़ भी रहा है वो उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अगर मनी वेजेस उनकी कम कर दी जाएंगी वो उसका विरोध करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि फॉर दिस पर्पस प्राइस लेवल शुड बी रेज एंड मनी वेजेस नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और आउटपुट। तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई, मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें, c इक्वल्स टू सी जीरो प्लस, या इसको सी नॉट भी कह सकते हैं, प्लस बी वाई। बी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यहाँ पे b हमारा, ठीक है। y हमारी इनकम है, और c नॉट मतलब क्या, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो कंजप्शन होता है वो ओरिजिन से ना स्टार्ट होकर के वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, बिकॉज कुछ कंजप्शन जो होते हैं हमारे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, जिनको हम करते ही करते हैं, भले हमारा इनकम लेवल जीरो भी होता है बट कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं जिन्हें हम करते हैं, या वी कैन से कि ऑटोनोमस कंजप्शन जो हमारी इनकम से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वो जो कंजप्शन था वो वाई एक्सिस से हमारा ड्रॉ किया गया था, तो सी नॉट हमारा वही है, ठीक है। फिर वाई इक्वल्स टू सी नॉट प्लस बी वाई प्लस आई। तो यहाँ पे जो ये आई है हमारा, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, अभी हम इस बारे में आगे भी बात करेंगे। तो जैसा कि जो इक्वेशन थी मैंने बताया कि वाई इक्वल्स टू इनकम है, सी इक्वल्स टू कंजप्शन है, सी नॉट हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, जिसको मैंने बोला कि जो ओरिजिन से ना स्टार्ट हो गया, यानी एक्स एक्सिस से ना स्टार्ट होकर के जो वाई एक्सिस से होता है ड्यू टू ऑटोनोमस कंजप्शन, एंड बी इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। वाई हमारी क्या है, इनकम इन इनिशियल स्टेज, ओके, और आई हमारा क्या, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब ये आखिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपके दिमाग में ये बात आएगी ना कि भाई आई जो है इसको मैम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोल रही हैं, तो ये क्या होता है, जिसको हम आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है इसका जो कर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है।
वाई एक्सिस पे अगर हम इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम इनकम को लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसका कर्व कुछ ऐसा होता, सॉरी थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई। दैट इज आईए। आईए मतलब क्या कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के रेज होने से बढ़ नहीं रही है, ठीक है। इट मीन्स कीन्स ने इन्वेस्टमेंट डिमांड को क्या माना, इनकम से इंडिपेंडेंट माना। भाई हम जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं कि इनकम हमारी कुछ भी हो, चाहे इतनी इनकम हो चाहे इतनी इनकम, सपोज अगर हम इसको X1 कह दें, इसको X2 कह दें, इसको X3 कह दें, बट हमारा जो इनकम का जो सॉरी इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो कांस्टेंट है ना, वो इनकम के बढ़ने पे बढ़ नहीं रहा है, वो कांस्टेंट, यानी इतना इन्वेस्टमेंट तो होना ही होना। दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यानी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ये इनकम से स्वतंत्र होता है। इनकम के बढ़ने पे या इनकम के घटने पे इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जो एक क्राइटेरिया है कि हाँ सपोज अगर हमने मान लिया कि हमें 100 रुपये का ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करना ही करना, तो वो हमारा होता रहेगा चाहे कुछ भी हमारा इनकम लेवल हो, ठीक है, वो उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कीन्स, जैसा अभी हमने बात की डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट की, तो अकॉर्डिंग टू कीन्स देयर कैन बी अ डिफरेंट सोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कीन्स देयर कैन बी अ डिफरेंट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम सच एज गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड ट्रस्ट, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट सोर्स है नेशनल इनकम के, जैसे गवर्नमेंट का रोल होता है इसमें, सोर्स होता है कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, फॉरेन ट्रेड से हमारा नेशनल इनकम बढ़ती है, ठीक है, इंडिविजुअल्स कुछ होते हैं, बिजनेस होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम, कीन्स हैड डिवाइडेड द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम इनटू 4 सेक्टर्स, ठीक है। उन्होंने 4 सेक्टर्स में जो है डिवाइड किया चीज़ों को, कि नेमली हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें कि यार अरे मैम ये आपने क्या बता दिया, 4 सेक्टर कि हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है एंड फॉरेन सेक्टर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम इस डायग्राम से देख रहे हैं कि इनकम डिटर्मिनेशन है, कीन्स ने उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया है, 2 सेक्टर एक सॉरी 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। आज हम जो बात करेंगे वो 2 सेक्टर मॉडल पे बात करेंगे, ठीक है। तो द 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व्स, ठीक है, 2 सेक्टर में क्या है, 2 सेक्टर मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व्स हाउस होल्ड एंड बिजनेस ओनली, ठीक है, वाइल 3 सेक्टर मॉडल रिप्रेजेंट हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। ऑन दी अदर हैंड दी 4 सेक्टर मॉडल कंटेन्स हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। जैसा मैंने आपसे बोला कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम 2 सेक्टर मॉडल के बारे में बात करेंगे कि 2 सेक्टर मॉडल जो हमारी इकोनॉमी होती है उसमें इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 2 सेक्टर मॉडल के जो हमारी इकोनॉमी है उसके एजम्पशंस क्या है, पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। 2 सेक्टर मॉडल में उन्होंने बोला है कीन्स ने कि कंप्राइजेस ओनली 2 सेक्टर, नेमली हाउस होल्ड एंड बिजनेस। जैसा मैंने बोला पिछले आपको अभी स्लाइड में कि उन्होंने 3 सेक्टर की बात की थी, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में क्या होता है, हाउस होल्ड एंड बिजनेस होते हैं। 3 सेक्टर में हाउस होल्ड बिजनेस के साथ गवर्नमेंट का रोल होता है। 4 सेक्टर में क्या होता है कि हाउस होल्ड भी होता है, बिजनेस भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है, देन उसमें क्या ऐड हो जाता है हमारा फॉरेन सेक्टर ऐड हो जाता है, ठीक है, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो हमारे फॉरेन ट्रेड होता है वो ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में उन्होंने बोला कि टू कंप्राइजेस ओनली 2 सेक्टर्स, नेमली हाउस होल्ड एंड बिजनेस, ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या होते हैं, बिजनेस क्या होते हैं,
हाउस होल्ड आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड प्रोवाइड फैक्टर्स सर्विसेज टू बिजनेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, जैसे उन्होंने टू सेक्टर की बात की, हाउस होल्ड सेक्टर है बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को हम घरेलू क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या बिजनेस सेक्टर क्या हो गया, व्यवसायिक क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं हाउस होल्ड को, घरेलू क्षेत्र, और बिजनेस को हम बोलते हैं व्यवसाय क्षेत्र। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जैसा ये बोल रहे हैं कि हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू बिजनेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यानी जो घरेलू क्षेत्र है उसके पास क्या होता है कि उत्पादन के सभी साधन होते हैं, यानी कि जो वेजेस क्या है, हमारी मजदूरी है जैसे, ठीक है, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उद्यम है। तो भूमि यानी लैंड के बदले में हमें क्या मिल रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे जैसे हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है। तो इनके बदले में जैसे लैंड है उसके बदले में हमें रेंट मिल रही है, ठीक है, लेबर के बदले में हमें वेजेस मिल रही हैं, कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरप्रेन्योर है उसके बदले में हमें, जो वो इनोवेशन करता है उसके बदले में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो यानी घरेलू क्षेत्र के पास क्या हुआ, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास क्या हुआ कि उत्पादन के सभी साधन है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके पास, भूमि, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, उद्यम यानी एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुए, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ठीक है। तो ये क्या होता है कि व्यवसाय क्षेत्र यानी बिजनेस सेक्टर को इन साधनों की सेवाएं बेचने के लिए क्या देते हैं, किराया, जैसा हमने बोला कि प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू बिजनेस टू अर्न देयर लाइवलीहुड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये क्या करते हैं, व्यवसाय क्षेत्र को इन साधनों की सेवाएं बेचने के लिए किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में इनकम प्रोवाइड कराते हैं। समझ में आया, यानी घरेलू क्षेत्र क्या हो रहा है कि व्यवसायिक क्षेत्र जो बिजनेस सेक्टर है उसको वो क्या कर रहा है कि इन साधनों की सेवाएं बेचने के लिए आय प्राप्त करा रहा है, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड बिजनेस परचेज फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल इट टू हाउस होल्ड। यानी जो बिजनेस सेक्टर है उसमें कौन सा क्लास है, प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर क्लास है बिजनेस सेक्टर में। तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर हाउस में क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कमोडिटीज का कर रहा है उसको वो किसको बेचेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को ना। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर क्या हुआ, कंज्यूमर सेक्टर, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर को अपने गुड्स भेजता है, सॉरी सेल करता है, ठीक है, उसके बदले में क्या है, वो इनकम को प्राप्त करता है, ठीक है। यानी व्यवसाय क्षेत्र में क्या हुआ, प्रोड्यूसर वर्ग है जो वस्तुओं का उत्पादन करके घरेलू क्षेत्र को बेचता है। और घरेलू क्षेत्र जैसा मैंने बताया कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर एक तरह से उसको हमने क्या बोला, कंज्यूमर। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन है, कंज्यूमर, और बिजनेस सेक्टर में बिजनेसमैन यानी प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर में जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, बिजनेस सेक्टर से जो कमोडिटीज जो उत्पादित हो रही है, जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, उनको खरीदता है ना, तो वो बिजनेस सेक्टर को इनकम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इस बीच में उन्होंने क्या बोला कि डज नॉट हैव गवर्नमेंट इंटरफ्रेंस। मैंने आपको बताया कि टू सेक्टर मॉडल में उन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं की थी, जो थ्री सेक्टर मॉडल है उसमें उन्होंने गवर्नमेंट रोल की बात की है, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल में उन्होंने दो ही लोग फैक्टर को लिया या दो सेक्टर को लिया है, फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर एंड द सेकेंड इज बिजनेस सेक्टर, ठीक है। डज नॉट हैव गवर्नमेंट इंटरफ्रेंस, इफ गवर्नमेंट इज देयर इट डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। अब गवर्नमेंट के रोल क्या होते हैं, टैक्सेशन में होता है, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, एक्सपेंडिचर में होता है, तो ये सारे रोल होते हैं गवर्नमेंट के। तो उन्होंने बोला कि पहली बात तो गवर्नमेंट का इंटरफ्रेंस होता ही नहीं है टू सेक्टर इकोनॉमी में। इफ़ गवर्नमेंट इज देयर, अगर है भी, तो इट डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री।
फॉर एग्जाम्पल इन द टू सेक्टर इकोनॉमी द गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, फिर उन्होंने क्या बात की है टू सेक्टर में कि क्लोज्ड इकोनॉमी है. जैसा मैंने आपको बताया कि क्लोज्ड इकोनॉमी है मतलब फॉरेन ट्रेड नहीं है, तो वो तो वैसे भी फोर सेक्टर इकोनॉमी में होता है. ठीक है, तो उन्होंने इसको भी क्लोज्ड इकोनॉमी माना था, नो फॉरेन ट्रेड इन द इकोनॉमी. ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, तो भी वैसे भी कीन्स का जो मॉडल है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे ही बेस्ड है. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात क्लासिकली की थी, जिसको क्रिटिसाइज किया था कीन्स ने. उन्होंने बोला था कि इकोनॉमी में जरूरी नहीं है, मतलब जो हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो और हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ना हो. यानी कि उन्होंने बोला था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ का मेन आप नहीं मान सकते कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पाया ही जाएगा, हो सकता है हो और हो सकता है ना हो. वैसे कीन्स के अकॉर्डिंग क्या था कि अर्थव्यवस्था में फुल पूर्ण रोजगार ना पाकर, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ना पा करके अल्प रोजगार अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है. ठीक है, उन्होंने बात की थी जैसा मैंने आपको उस डायग्राम में भी बताया था कि इफेक्टिव डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं, तो वो जो ई जो पॉइंट था इक्विलिब्रियम इफेक्टिव डिमांड का, जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो जो लेवल था वो फुल एम्प्लॉयमेंट न हो करके अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल था. ठीक है, फिर उन्होंने मनी वेजेस आर कांस्टेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि मनी वेजेस में आप कटौती नहीं कर सकते, उसका वो जो लेबर क्लास है वो डायरेक्ट उसका विरोध करता है, कड़ा विरोध करता है. ठीक है, तो उन्होंने बोला था मनी वेजेस आर कांस्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, तो यानी कि और उन्होंने क्या बोला था, शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात की थी. ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में बिलीव नहीं करते थे. अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अप्रोच की बात करेंगे. तो जैसा मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, जैसा अभी मैंने बात भी की थी कि एग्रीगेट डिमांड जो कर्व था और एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, जो कि इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट था, तो उस टाइम जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था दैट इज़ नॉट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट वॉज अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, उस लेवल पे जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई हमारे इक्वल थे वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ना होकर के अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल था और नेशनल इनकम डिसाइड हुई थी. ठीक है, तो वी हैव सीन हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज एस्टैब्लिश एट द पॉइंट कहाँ पे, वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल थे वो इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट था. बट देयर इज एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, एक अल्टरनेटिव मेथड भी है नेशनल इनकम को क्या कहते हैं डिसाइड करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी बोलते हैं. ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या होता है कि जैसे सेविंग में उन्होंने बात की थी इंटेंडेड सेविंग, जिसको हम इच्छित उसकी सेविंग की बात की थी, और इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट की बात की थी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभीष्ट निवेश और अभीष्ट बचत. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब किसी इनकम लेवल पर प्रोड्यूसर जैसे कोई है, अगर कोई इनकम लेवल है मान लो किसी का, कोई इनकम लेवल पे प्रोड्यूसर द्वारा इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट यानी जो वी कैन से कि डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए, इच्छित निवेश भी हम कह सकते हैं, कि अगर वो की जाने वाली बचत से ज़्यादा होता है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी एंड सेविंग कम होगी. यही तो मतलब हुआ ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का, कि इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा. अगर डिमांड ही ज़्यादा नहीं होगी तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिमांड ज़्यादा है यानी कि हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं. तो यानी व्हेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, ठीक है, व्हेन इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, तो क्या होगा नेशनल इनकम बढ़ेगी. वैसे भी जो इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट था उसमें भी हमने आपको यही बताया था कि जब तक एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा है,
एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरिजन में। हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था ना कि एग्रीगेट डिमांड जब तक उससे एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा थी, यानी ए डी इज़ ग्रेटर देन ए एस, तब तक क्या होगा, हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ती रहेगी। हम डिमांड करते जा रहे हैं, प्रोडक्शन होता रहेगा, ठीक है। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड के कंपैरिजन में, तब नेशनल इनकम, मैंने बताया था ना कि वो जो ए एस कर्व था वो राइजिंग ट्रेंड शो करते करते फिर वर्टिकल हो जा रहा था। वो क्यों हो जा रहा था कि भाई जब तक डिमांड हो रही थी तब तक तो हम मतलब प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन हो गया था तो उसके बाद क्या हो गया था कि वो फिर भाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन हो गया तो उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता ना। अगर होगा भी, अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे भी तो हमारी लागतें ही बढ़ेंगी, प्राइजेस ही बढ़ेंगे, हमारी नेशनल इनकम नहीं बढ़ती है तब, ठीक है। तो जब तक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से, तब तक क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी। और जब इन्वेस्टमेंट यानी इंटेंडेड जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर कम हो जाएगा, यानी अगर इन्वेस्टमेंट हमारा ग्रेट लेस देन हो जाएगा सेविंग से, तो नेशनल इनकम क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। भाई हम अगर सेव ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो नेशनल इनकम क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक अगर इजी लैंग्वेज में देखें तो जो सेविंग है हमारी, सेविंग का मतलब क्या, कि एक इकॉनमी में इनकम फ्लो चल रहा है, मतलब एक मुद्रा का प्रवाह चल रहा है इकोनॉमी में। सेविंग हमने क्या किया तो क्या हुआ, कुछ मनी हमने इकोनॉमी से निकाल ली। सेविंग क्या, हम अपने पास रखते हैं ना वो पैसा, तो वो इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन है मनी का, वो सर्कुलेशन में वो मनी वो जरूरी नहीं है। यानी सेविंग का मतलब क्या हुआ कि इनकम स्ट्रीम, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं आय प्रवाह से कुछ लीकेज होना मुद्रा का, ठीक है, यानी इनकम स्ट्रीम में से कुछ मनी निकाल लेना। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इनकम फ्लो चल रहा है, जो इनकम स्ट्रीम चल रही है, उसमें कुछ मनी डाल देना, ठीक है। सेविंग क्या हुआ, लीकेज हुआ इनकम से, सेविंग क्या है हमारी, लीकेज है इकोनॉमी से। और इन्वेस्टमेंट क्या है, डाल रहे हैं हम लोग, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वी कैन से कि इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन ऑफ मनी इनटू द इनकम स्ट्रीम, ठीक है, कि हम अपने आय प्रवाह में कुछ मुद्रा डाल रहे हैं, और सेविंग में क्या है, हम निकाल रहे हैं। जब हम निकालेंगे मुद्रा तो जाहिर सी बात है कि हमारी नेशनल इनकम कम होगी, ठीक है, और जब हम डालेंगे तो क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो SS कर्व है ये, दैट इज़ हमारा सेविंग कर्व है, और जो II है ये इन्वेस्टमेंट कर्व है। आप सोच रहे होंगे ना कि ये II कर्व ये ऐसे पैरेलल क्यों है एक्स एक्सिस के, जिसको अभी मैंने बताया, ड्यू टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये आई हमारा क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, जिस वजह से ये इनकम इंडिपेंडेंट है, इनकम के बढ़ने यानी इंक्रीज होने और डिक्रीज होने पे उस इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो इन्वेस्टमेंट एक ऑटोनॉमस है, मतलब एक कांस्टेंट जो लेवल है वो तो चलता ही रह रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो जहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यानी जो II कर्व है हमारा, और ये जो SS कर्व जो सेविंग है, एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और OY हमारी नेशनल इनकम डिसाइड हो रही है, ठीक है। ये सेविंग कर्व SS एंड द इन्वेस्टमेंट कर्व II इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ई पॉइंट, दैट इज द इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंडेड सेविंग आर इक्वल टू द OF लेवल ऑफ इनकम, हैंस OY इज द इक्विलिब्रियम, OY इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। यानी अगर इस इनकम OY जो है, इससे अगर कम, जैसे द लेवल ऑफ इनकम लेस देन OY, द अमाउंट ऑफ इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटेंडेड सेविंग। जैसा हम इस अपने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि अगर इस OY जो हमारी इनकम है, इससे अगर हमारी नेशनल इनकम कम हो रही है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि द अमाउंट ऑफ इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटेंडेड सेविंग, एज अ रिजल्ट इनकम विल इंक्रीजेस, ठीक है। और जब इससे जब हमारी इनकम कम होगी तो क्या होगा, यानी कि हमारी सेविंग ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से, तभी तो हमारी इनकम कम होगी, ठीक है। इसको
इसको हम डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसके पहले हम इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं, ये SS कर्व को और IIE कर्व को एक मैथमेटिकल एग्जांपल से, कि जैसे हमने आपसे बात की थी कि y इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस i, ठीक है, और c इक्वल्स टू क्या होता है, c 0 प्लस बी वाई, ठीक है। बी हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, आई ए हमारा ये जो आई है दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एक अगर टेबल बनाएं, इनकम वाई, ठीक है, फिर कंजप्शन सेविंग, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट आएगा। थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ये हुआ हमारा, ठीक है। और AD बराबर क्या हुआ, C प्लस I हो गया, ठीक है। AD हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है किस पे डिपेंड करता है, कंजप्शन पे और इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। अब हमने माना कि कोई एक कंट्री है, ठीक है, जिसकी इनकम लेवल स्टार्टिंग में क्या है, मान लो 0 है, ठीक है, इनकम लेवल हमारी क्या है, 0 है। अब जैसा मैंने बताया था कि ये जो कंजप्शन है दैट इज सी 0 प्लस बी वाई है, सी नॉट मतलब क्या कि ऑटोनॉमस कंजप्शन कुछ तो होगा ना इकोनॉमी में, ठीक है। अगर इनकम 0 है, मान लो हम कुछ कंज्यूम नहीं भी कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ तो ऑटोनॉमस कंजप्शन भी है ना इकोनॉमी में, जो एक फिक्स है, जो जिसको हमने बताया था कि जो वाई एक्सिस से ड्रॉ होता है, अगर हम एज अ ग्राफ उसको देखें, ठीक है। तो हमने माना कि जो ऑटोनॉमस जो हमारा कंजप्शन है वो क्या है, 25, ठीक है। अब सेविंग क्या होगी भाई, इनकम हमारी 0 है, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है 25, ठीक है, तो सेविंग हमारी क्या हुई, -25 हुई ना, इनकम तो हमारी कुछ है नहीं। और हमने मान लिया कि जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो हमने मान लिया कि 75 रुपये है, सॉरी 75 करोड़ है, ठीक है। अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो गया, 75, ठीक है, इनकम हमारी 0 है, कंजप्शन जो ऑटोनॉमस वाला है हमारा वो 25 करोड़ है, सेविंग हमारी क्या हुई, -25 हो गई, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हुआ जो कि ऑटोनॉमस है वो 75 है। अब AD इक्वल्स टू क्या है, C प्लस I, ठीक है, तो AD हमारा क्या हुआ, 75 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, 100 रुपीज़ जो हुई हमारी इनकम हो गई। अब इसको अगर हम एज अ इनकम अगर हम इसे लें तो 100 रुपीज़ हमारी इनकम हुई, ठीक है। अब सी इक्वल्स टू क्या है, सी नॉट प्लस बी वाई, ठीक है, तो हमारा जो कंजप्शन हो गया वो भी 100 रुपये हो गया, ठीक है। अब सेविंग हमारी क्या हुई कि हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 100 रुपये हमारा, सॉरी 100 रुपये हमारी इनकम है, 100 रुपये हमने कंज्यूम कर लिया, तो सेविंग हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा वो 75 भी चलेगा। अब हमारा AD क्या हो गया, 175, 100 में इसमें हमने 75 ऐड किया, 175 हो गया, ठीक है। अब ये 175 हमारी नेशनल इनकम हो गई, ठीक है। अब अगर हम सी जीरो, जैसा कि सी अगर हम कंजप्शन निकालें तो बी इक्वल्स टू हमने 0.75 माना है, ठीक है, बी इक्वल्स टू क्या है, 0.75 हमने माना था, ठीक है, तो 0.75 इंटू, हाँ, सी इक्वल्स टू 25 प्लस 0.75 इंटू 175, ठीक है, तो सी इक्वल्स टू हमारा क्या आया, 25 प्लस 131.25 इक्वल्स टू 156, ठीक है। तो ये 156 क्या हुआ, हमारा कंजप्शन हो गया,
सेविंग हमारी 175 माइनस 156 19 हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनॉमस है। फिर हमारा ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई है, ठीक है। 156 प्लस 75 कितना हुआ, 231 हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे कि माना हमने जैसे कि 231 इनकम ना लेके, अब अगर हम मानते हैं कि 300 इनकम ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 231 ना लेकर 300 क्यों लिया, उसके पीछे भी एक कारण है कि अभी तक तो क्या था कि जितनी हमारी एग्रीगेट डिमांड थी उसके ही इक्वल हम इनकम को नेक्स्ट साइकिल में ले रहे थे, ठीक है। कि जितनी भी हमारी एग्रीगेट डिमांड आ रही थी उसको हम नेक्स्ट साइकिल में इनकम मान ले रहे थे। बट इकॉनमी में क्या होता है, जैसे कोई भी कंट्री की इकॉनमी है तो उसमें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो एक फिक्स है कि इतना तो होना ही होना है मान लो। अब अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले 100 थी, फिर 175 हो गई, फिर 231 हो गई, यानी एडी हमारी क्या है, बढ़ रही है। तो एक लेवल पे फिर क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है ना कि इन्वेस्टमेंट हमारा सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही हो। फिर तो हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जिससे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरित निवेश, ठीक है। प्रेरित निवेश क्या होता है कि इनकम के बढ़ने पे या मांग के बढ़ने पे अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इनकम हमारी इनकम राइज हो रही ना, जैसे एडी हमारी बढ़ रही थी, 100 थी, फिर 175 हुई, फिर 231 हुई, तो जाहिर सी बात है कि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ रही है, तो अब जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस के साथ साथ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो जब इन्वेस्टमेंट और बढ़ा तो हमारी नेशनल इनकम, हमने माना कि 231 से सडन 300 हो गई, ठीक है। अब जब 300 हमारी इनकम हो गई तो अगर हम सी अगर हम कंजप्शन निकालते हैं तो क्या होगा कि 25 प्लस 0.75 इंटू 300, ठीक है। तो कितना आया, 25 प्लस 225 इक्वल्स टू 250। तो जब हमारी इनकम जो है 300 थी तो हमारा कंजप्शन कितना हुआ, 250, ठीक है। सेविंग कितनी हुई, 50 रुपीज़ हुई। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 75 का है, ठीक है। ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई, 25 हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई, ठीक है। अब हमने माना कि हमारी जो इनकम है वो 300 से बढ़ करके कितनी हो जाती है, 350 करोड़ हो जाती है, ठीक है। तो जब 350 करोड़ हो जाएगी हमारी इनकम, तो हमारा मान लो कंजप्शन ये हो गया 287 287.5, ठीक है। तो हमारा सेविंग कितनी हो गई, 62.5। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 75, जो कि पहले से ऑटोनॉमस है। और ये हमारी एडी हो गई, ठीक है। तो यानी एक तरह से इसको अगर हम ऐसे देखें, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा कि जब हमारा इनकम लेवल, इस ग्राफ से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आगे आपको समझाऊंगी कि जब हमारा इनकम लेवल जीरो भी था, ठीक है, तो ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारी सेविंग क्या थी, वो निगेटिव में जा रही थी ना। इस चीज़ को अब हम आगे अपने इस डायग्राम से समझेंगे। अब ये जो हमारी अप्रोच है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, बिल्कुल जैसा कि ओ वाई एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस है, ओ वाई पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन, ठीक है। और ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, नेशनल इनकम लिया है। अब अगर आप तो, जैसा कि हम बात करें कि द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम हैज़ बीन एक्सप्लेन एबव बाई टू मैथड, ठीक है। टू मेथड में क्या, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड वेयर टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहली कंडीशन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और वी कैन से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट, ठीक है। जब ए डी बराबर ए एस होगा वो हमारी पहली कंडीशन होगी, जो कि इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट था, ठीक है।
सेकंड कंडीशन के बारे में भी मैंने आपको भी बताया इस डायग्राम के थ्रू कि जब ये जो इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंडेड सेविंग हमारी इक्वल है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है नेशनल इनकम का। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है इसको अगर हम बहुत गौर से देखें तो जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एडी एंड एएस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, जिस पे अंडर एम्प्लॉयमेंट डिसाइड हो रहा था, तो ये अपर पार्ट जो है ये उसी का है कि ये सी प्लस आई हमारी क्या है एडी, और ये जो ओ जेड लाइन है, ठीक है, ये क्या है एएस की लाइन है सप्लाई। ठीक है, ये क्या शो कर रही है एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रही है। ठीक है, ये ए सी प्लस आई क्या है हमारी ए डी वाली लाइन है, ये एक दूसरे को कहाँ पे, और ये जो सी वाली लाइन है ये कौन सी है, अगर इसको हम यहाँ से मिलाएं तो ये वही ऑटोनोमस कंजप्शन है हमारा। ठीक है, जो सी वाली लाइन है ये एक तरह से कह सकते हैं सी नॉट वाली लाइन है। ठीक है, कि जब इसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आया, जब हमने कंजप्शन बढ़ाया, तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई दैट इज ए डी, और ये जो ओ जेड है ये हमारी कौन सी लाइन है ए एस की लाइन है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था पिछले अपने इस स्लाइड में कि इस कंजप्शन को आप गौर से देखिए कि जब हमारा जो कंजप्शन ऑटोनोमस था तो भी हमारी तो हमारी सेविंग क्या थी माइनस में थी। माइनस में होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एस एस कर्व है ये हमारा इधर नीचे की ओर जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है ना एस एस कर्व अगर हम बात करें, तो इसका रीज़न ही यही है ड्यू टू ऑटोनोमस कंजप्शन ये नीचे की ओर जा रहा है अपने एक्स एक्सिस से यानी निगेटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आई। अब ए डी और ए एस एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम अपना आगे देखें कि द इक्वेलिटी बिटवीन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट एंड इक्वेलिटी बिटवीन इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंडेड सेविंग इन रियलिटी मीन द सेम थिंग। अगर हम इस फिगर में देखें, ठीक है दैट इज सी नॉट। ठीक है, अगर हम इस फिगर में देखें कि ए डी ए एस की और एस एन आई की जो इक्वेलिटी यानी एस एन आई एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ए डी और ए एस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्यू पॉइंट से नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये डॉटेड 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 जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये अगर ये सीधे ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये सेविंग है और इन्वेस्टमेंट के इंटरसेक्ट वाली लाइन जा रही है, तो ये जो लेवल इनकम पर डिसाइड कर रही है ये ओ से लेके वाई तक ये तो सेम है ना, चाहे वो ए डी ए एस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू हो चाहे एस एन आई का इंटरसेक्शन पॉइंट ई हो, दोनों के थ्रू जो इनकम लेवल डिसाइड हो रही है वो तो सेम है ना ओ वाई है। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि द इक्वेलिटी बिटवीन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट एंड इक्वेलिटी बिटवीन इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंडेड सेविंग इन रियलिटी मीन द सेम थिंग। ठीक है, इट विल बी सीन इन दिस फिगर। ठीक है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड कर इंटरसेक्ट एग्रीगेट सप्लाई कर ओजेड एट पॉइंट क्यू एंड देयर बाई डिटरमाइंस नेशनल इनकम इक्वल टू ओ आई। इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस डायग्राम वी हैव ड्रॉ इंटेंडेड सेविंग कर एस एस एंड इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट कर आई आई। ठीक है, ये एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के थ्रू जो नेशनल इनकम डिसाइड हो रही है ओ आई ये सेम डिसाइड हो रही है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सेविंग कर्व एस एस, सेविंग कर्व के बारे में अगर ये बात जो कर रहे हैं कि सेविंग कर्व एस एस हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन कर्व सी एंड मीजर्स द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम, जिसको हमने आपको अपने इस मैथमेटिकल एग्जाम्पल से बताया था कि सेविंग क्या है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन का जो गैप है, मतलब जो हम इनकम में अपना कंजप्शन माइनस कर रहे हैं वही तो हमारी सेविंग है। जब 175 हमारी इनकम थी, ठीक है, तो हमने 156 कंज्यूम कर लिया था तो हमारी सेविंग क्या थी 19 थी। ठीक है, जब हमारी जीरो इनकम थी ड्यू टू ऑटोनोमस कंजप्शन
हमारी सेविंग क्या थी, माइनस में थी। जब हमारी इनकम लेवल 100 हुआ तो हमारा कंजप्शन भी 100 हो गया, यानी जितनी हमारी इनकम आ रही है उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, देन अवर सेविंग विल बी जीरो। तो यही बात ये इस स्लाइड में कहना चाह रहे हैं कि सेविंग कर्व एसेस हैज बीन डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन कर्व सी एंड मेजर्स द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। फर्दर इन्वेस्टमेंट कर्व आई ड्रॉ इन द लोअर पार्ट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन फंक्शन कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व सी प्लस आई। ठीक है, समझ में आ गया सबको इतनी बात कि टू सेक्टर इकोनॉमी की हमने बात की आज के वीडियो में, कि डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट का टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे होता है, जिसमें दो अप्रोच थी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट जो सप्लाई की अप्रोच थी, ठीक है, और एक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की अप्रोच थी। फिर इस फिगर के थ्रू हमने ये समझा कि जो ए डी एंड ए एस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और जो इंटेंडेड सेविंग एंड इंटेंडेड सॉरी इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ई है और ए डी ए एस का जो सेक्शन पॉइंट क्यू है, वो एक तरह से दोनों इक्वली है क्योंकि उनके थ्रू जो लेवल ऑफ इनकम है वो सेम डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी की अप्रोच थी डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट की, जिसमें हमने दो मेथड पढ़े थे। अब हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। ठीक है।